ओम श्री साईनाथाय नमः। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें कभी लड़ाई ना होती हो? ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ कभी झगड़ा ना हुआ हो? कोई नहीं है, क्योंकि हर उस सच्चे रिश्ते में लड़ाई ज़रूर होती है जिसमें बहुत सारा प्यार होता है। दोस्ती में भी लड़ाई होती है, सब रिश्तों में लड़ाई होती है, लेकिन एक लड़ाई के कारण रिश्ता छोड़ दिया जाए ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, है ना। और लड़ाई भी कई तरह की होती है। कई बार तो हम दोनों का कोई मुद्दा ही नहीं होता, हम लड़ रहे होते हैं किसी तीसरे की वजह से और वो तीसरे को कोई खबर ही नहीं होती और समय और रिश्ता हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने रिश्तों में एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि आप कभी भी अगर आपका झगड़ा हो ना, तो या तो एक व्यक्ति चुप हो जाए, आप ही चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति चुप हो जाएगा तो वो जो सामने वाला है ना, वो कितना चिल्लाएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा वो चुप हो जाएगा। उससे होगा, यार ये तो बोलिए ना, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जब आप चुप हो जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर में ही चुप हो जाएगा, इससे जो हमारा रिश्ता है वो बचेगा। अब कहने का मतलब है क्या, लड़ाई नहीं होती रिश्तों में? तो ज़रूर लड़ाई होती है, रोज़ लड़ो, रोज़ झगड़ो, चाहे कितना भी लड़ाई करो, लेकिन कभी भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में मत सोचना, क्योंकि आप एक दूसरे की जान हो, एक दूसरे की परवाह करते हो। हाँ, लड़ाई के समय हमें किसी की परवाह नहीं होती, हम सोचते हैं यार इसने गलत बोला तो हम इससे लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ाई करना अच्छी बात है, क्योंकि जब तक बातचीत ज़िंदा रहती है ना, तब तक रिश्ता भी ज़िंदा रहता है। और जब रिश्तों में बातचीत बंद हो जाती है तो हम एक दूसरे की कद्र करना भूल जाते हैं और रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक छोटी सी वजह से लड़ाई ना करें। आज से अपनी भी कुछ आदतों को सुधारिए और सामने वाले को कोशिश कीजिए झेलने की, वो आपका ही तो बंदा है ना, ठीक है। और हाँ, मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका तो आपको कोई ना कोई हल करना ही पड़ेगा। जिस रिश्ते में बार बार आपको झुकना पड़े, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ दोस्ती के, जो माता और बच्चों का रिश्ता होता है, पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता होता है, और जो रिश्ते रिलेशनशिप को लेकर के होते हैं, उनमें आपको बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि इन रिश्तों में कई बार हम धोखा भी खा सकते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर चलिए। लेकिन जब अच्छा है, प्यार है और अच्छी, आप लोग एक दूसरे की कद्र करते हैं, तो उसको निभाने की भी कोशिश कीजिए। और रिश्ता जब तक दोनों की तरफ से नहीं निभाया जाता, तब तक वो नहीं रह सकता। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आपके जो भी रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता है ना, उसे समेट कर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इंसान के पास ना समय होगा और ना रिश्ते, और परिवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपने परिवार में किसी को टाइम नहीं देंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे को पास रखने की, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग हो जाते हैं। जब तक पेड़ में हैं हरे भरे रहते हैं, है ना, लेकिन जब पेड़ से अलग हो जाते हैं तो वो मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कभी भी अलग होने की बात मत करना। आप हमेशा अपनों के लिए ही जाने जाते हो, अपनों से ही परिवार होता है, वरना मकान में क्या है, कुछ नहीं है। जब तक उसमें सदस्य नहीं है ना, तब तक वो बेकार है। और यही साझेदार परिवार पर भी मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग भी मेरा परिवार हैं और मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा इतना साथ देने के लिए, इतना साथ निभाने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा। हम सब एक परिवार हैं और हम एक दूसरे की ताकत है, पावर है। जय साई राम, साई शिवरात्रि। करवा चौथ की मेरी सभी बहनों को, मेरी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर त्यौहार बेहद खूबसूरत हो, बेहद खुशियों भरा हो। जय साई राम।